अरे उसकी अपडेट्स तो मैं डिस्क्लोज नहीं करता जी, जी। लेकिन वेरी सून आप देखेंगे कि वन और कपल ऑफ ईयर में इंशाल्लाह ताला अच्छा। वो हमारा एस्ट्रोनॉट जो है तैयार हो, वो हमारी फोर्सेस के कोई कमांडो है जिसको ये ट्रेनिंग देंगे अच्छा। और वो अपनी चाइनीज टीम के साथ जो स्पेस स्टेशन है अच्छा। इंटरनेशनल क्या वहाँ पे जाएगा। ये सर ने खुशखबरी सुना दी है कि बिल्कुल चंद साल रह गए हैं, ये बिल्कुल 2 से 3 साल रह गए, हम भी चांद कदम रखने के लिए तैयार हैं। सर आपने एस्ट्रोनॉट्स की बात की, क्या स्पेशल खुराक होती है उनकी, क्या स्पेशल उनका लिबास डिज़ाइन किया जाता है नॉर्मली, जो कि ज़्यादा कि चांद का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है ज़मीन के माहौल के हवाले से, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइएगा लोग। हाँ उसमें देखिए, आप चांद पे हों या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हों, तो आप स्पेस में है ना जी, तो आपके जो वहाँ पे सूट्स हैं वो बड़े स्पेशल इंसुलेटेड सूट्स होते हैं, ज़रा टेम्परेचर मेंटेन करना होता है उसमें okay. और वहाँ पे देखें हवा तो है नहीं है कि आप डायरेक्टली बात करें, तो उसमें भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं सेंसर, उससे आप कम्युनिकेट करते हैं है। बाकी जो स्पेस स्टेशन पे हैं जो लोग, आपको पता है वो 2-2, 3-3, 6-6 महीने भी रहते हैं, तो उसके लिए वो अपनी खुराक वहाँ पे खुद ग्रो करते हैं जी अच्छा स्पेशली अच्छा। और इनकी अपनी स्पेशल मेडिसन्स हैं अच्छा। तो ये कोशिश करते हैं कि आप देखें ना, यहाँ से आप खुराक लेके स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं हाँ। तो बड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी, तो उनके स्पेशल सीड है उसकी पूरी पूरी, इसकी जो बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी है उसको सामने रखते हुए ये बड़ी स्पेसिफिक फूड होती है जो ग्रो करते हैं वहाँ पे और उसी पर गुजारा करते हैं। चूँकि माइक्रोग्रेविटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना इनको ऐसे भूख नहीं लगती जैसे ज़मीन पे ऊपर लगती है अच्छा। वहाँ पे जाके इनकी खुराक भी कम हो जाती है अच्छा, अच्छा, काफ़ी हद तक अच्छा। तो यानी अगर कोई गुजरांवाला का, कोई लाहौर का अगर एस्ट्रोनॉट चला गया तो उसकी तो खुराक पर बहुत कम, अव्वल तो वो जा नहीं सकेगा, अगर वो चला जाएगा तो उसको हो सकता है कहत का सामना करना पड़ जाए। अच्छा सर ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कितना खर्चा आता है वैसे, अगर हम चांद के मिशन की बात की जाए, आपने कहा कि फाइनेंशियल मसाइल है, कितना कोई रुपए खर्च होते हैं या डॉलर्स खर्च? नॉर्मली अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरा 10 से 12 करोड़ डॉलर का मिशन होता है अच्छा। हाँ अभी जब से इंडिया ने भेजा था तो उनका तो आपको पता 4.5-5 करोड़ डॉलर का था, तो उसके नाकाम होने की वजूहत क्या थी वैसे? बस उसमें देखें, इंडिया में पहले भी बहुत सारे इशूज़ हैं, उनकी एयरफोर्स के जहाज गिरते रहते हैं, ये हरी मेंटेनेंस की बात है, साइंटिफिक बातें हैं। उसमें देखें उनके पहले भी मिशन नाकाम हुए हैं, अब ये जो ये टेक्निकल फेलियर होता है, अभी इन्होंने आपको पता एक मिज़ाइल गिरा था पाकिस्तान में मियाँ चन्नू के पास जी, आगे वो सुपरसोनिक मिज़ाइल का तजर्बा, वो भी इनके कंट्रोल में नहीं था, तो इनके टेक्निकल लैब्स तो हैं, टाइम लगता है ज़ाहिर है, हम ये नहीं कहते, कोशिश वो भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जब मैं अपने सिस्टम को देखता ना तो हम कोशिश थोड़ी करते हैं लेकिन अच्छी करते हैं, प्रिसाइज करते हैं। जैसे हमारी एयरफोर्स की मिसाल आपके सामने है कि हमने बालाकोट में जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया था, बड़ा प्रिसाइज, बड़ा विद इन सेकंड स्विफ्ट और बड़ा ही मैं कहता हूँ कि प्रसीजन के साथ, और दुनिया ने देखा कि हम उसमें बड़े कामयाब रहे। सर कुछ आप बात कर रहे थे कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने की तैयारी में है आपके, जिसमें जितने भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला होता है तो हम पहले से हमें खबर हो जाएगी, ज़रा वो भी एक सरप्राइज़ है लोगों के लिए। हाँ उसमें ये होता है कि अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट विन किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, जबरदस्त, जिसमें मैंने अपने जो मोस्ट रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है अच्छा। तो उसमें हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान देखें क्लाइमेट चेंज के हवाले से ना वर्स्ट हिट है हाँ, इस वक्त इस एरिया में ना साउथ एशिया सबसे ज़्यादा मुतासर है, तो पहले ये 7वें नंबर पे था, ऑलमोस्ट 6ठे नंबर पे आ गया। अभी आप देख रहे हैं कि अजीब व गरीब तरीके का वेदर चल रहा है पिछले एक दो महीने से कॉन्टीन्यूसली ना, तो हम ये चाहते हैं कि देखिए नेचुरल हैजर्ड को हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ पर हमारे पाकिस्तान में हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम या डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम जो कि सेटेलाइट रिलेटेड होगा वो हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं अगले 3 साल में, तो उसमें अभी जो ग्रांट है वो अप्रूव हो गई है चाइना से, तो अब मुझे अपने मुतल्लिका इदारों के साथ उसको डिस्कस करना है ताकि एक ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि जो हम उसको पहले फेज़ में हम उसके कवर करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जो इलाके पंजाब ज़्यादा प्रोन टू जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले फेज़ में इसको करेंगे, फिर अगले फेज़ में इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे बलोचिस्तान, साउथ पंजाब और सिंध में ग्वादर तक। तो इससे ये होगा कि जितने भी आप जो नेचुरल हैजर्ड्स हैं ना, जैसे जलजले हो गए, सैलाब हो गए, उसके बाद आप देखें ग्लेशियर लैंडस्लाइड्स होती है, बहुत नुकसान होता है फ्लड्स वगैरह से, तो हम इनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपनी आवाम को बिल्कुल एग्जैक्टली बता दें, एजुकेट कर दें कि ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, तो वो उससे डिज़ास्टर तो नहीं रुकता लेकिन उससे नतीजे में नुकसान है वो कम हो जाएगा, हमारी कीमती जानें बच जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम ये नेटवर्क लगाने जा रहे हैं, आप दुआ कीजिए, पाकिस्तान में ये 75-76 साल में पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें हाँ। हम इंशाल्लाह अपने तमाम गवर्नमेंट के जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं या ऑफिशियल्स हैं उनको हम ट्रेन करेंगे वहाँ पे,
और उन यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, सर्वर लगाएंगे, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और सेट और फिर वो ज़मीन पे जो हमारा नेटवर्क है उससे भी कनेक्टेड होगा। तो सैटेलाइट बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उससे हम एक ऐप डिज़ाइन करेंगे, उससे तमाम पब्लिक उस ऐप को फ्री डाउनलोड करेगी। अच्छा। और उसमें फिर आपको जितने भी नेचुरल हैजर्ड पाकिस्तान में आते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। और ऐप पे एक अलार्म की सूरत में वो होगा, एग्जैक्टली वो बीप बजेगी कि जी यहाँ पे कोई अलर्ट आया है, तो लोग अकॉर्डिंगली अपनी जो है ना तैयारी करें। ज़बरदस्त, ये सर ने खुशखबरी सुना दी है और यकीनन डिस्कवर पाकिस्तान जब ये आगे जाएगा, मुख्तलिफ स्टेजेस पर जाएगा, तो आपके लिए डिस्कवर करेगा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बताया कि ये कितना अहम मनसूबा है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों को जितने भी वो स्टूडेंट्स हैं सर उनको मुबारकबाद देनी चाहिए बिल्कुल कि वो एक काम आगे लेकर जा रहे हैं और आई होप कि उनसे बहुत सारे लोग और भी इंस्पायर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आई होप कि आप ऐसे ही काम करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।